दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टीम इंडिया के उस प्लेइंग 11 के बारे में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज थर्ड ODI खेलने वाली है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने मैच को बहुत ही वर्चस्व बनाने वाली है। दोस्तों क्या है पूरा प्लेइंग 11, कैसे टीम इंडिया में होने वाली है 3 ऑल राउंडरों की वापसी, ये सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक छोड़ देंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है दमदार कप्तान, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय टीम में 3 ऑल राउंडरों की वापसी हो सकती है। भारतीय टीम शहबाज अहमद, वाशिंगटन सुंदर और साधु ठाकुर के साथ उतर सकती है। शहबाज ने अपने डेब्यू वनडे में गेंदबाजी में प्रभावित किया है, वहीं ठाकुर ने अब तक 3 विकेट लिए हैं। पावर प्ले में गेंदबाजी के हिसाब से सुंदर टीम का अहम हिस्सा होंगे। वहीं भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो शिखर धवन, सुमन गिल टॉप ऑर्डर संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन चौको छक्कों की बारिश करते हुए मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बॉटम ऑर्डर की बात करें या यूं कहें कि हम अगर लास्ट बैटर और ऑलराउंडर की बात करें तो शहबाज अहमद, वाशिंगटन सुंदर, साधु ठाकुर को टीम के लिए फिनिशिंग का रोल अदा करने का मौका मिल सकता है। वहीं मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और कुलदीप यादव मेन बॉलर हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए। दोस्तों आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।